वायरल वीडियो में महिला को आपबीती सुनाते हुए सुना जा सकता है। महिला बताती है कि उसे रात में नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने सोचा कि बालकनी में थोड़ा टहल लिया जाए। तभी उसकी नजर हवा में झूलती हुई एक आकृति पड़ती है, जिसके बाद वह डर के मारे रात भर सो नहीं पाती है और हनुमान चालीसा सुनती रही है। नमस्कार, देश ऑनलाइन में आपका स्वागत है। एक महिला ने अपने घर के सामने की बालकनी में सूख रहे कपड़े को भूत समझ लिया। फिर क्या था, डर के मारे वह महिला पानी पानी हो गई। वह सारी रात नहीं सो सकी और हनुमान चालीसा सुनती रही। उस महिला ने इस घटना को लेकर अपनी आपबीती सोशल मीडिया में बताई है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। उस महिला ने वीडियो के जरिए ये सवाल भी उठाया है कि आखिर ऐसे कपड़े कौन सुखाता है। वायरल वीडियो में महिला को आपबीती सुनाते हुए सुना जा सकता है। महिला बताती है कि उसे रात में नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने सोचा कि बालकनी में थोड़ा टहल लिया जाए। तभी उसकी नजर हवा में झूलती हुई एक आकृति पड़ती है, जिसके बाद वह डर के मारे रात भर सो नहीं पाती है और हनुमान चालीसा सुनती रही है। महिला बताती है कि उसने कम से कम 10-15 बार हनुमान चालीसा को सुना होगा। महिला आगे कहती है कि जब वह सुबह उठी तो पता चला कि जिसे वह भूत समझकर रात भर परेशान रही, वो असल में सामने की बालकनी में सूख रहा एक महिला का गाउन था, जिसको लेकर उसने सवाल उठाते हुए पूछा, ऐसे कौन कपड़े सुखाता है। उसे रात को ड्रेस भूत दिख रही थी, लेकिन जिस हैंगर में वह गाउन टंगा हुआ था वह नहीं दिख रहा था। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर उस महिला का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे बड़ी संख्या में लोगों ने अपने अपने एक्स पेज पर भी पोस्ट किया है, ऐसे कौन कपड़े सुखाता है। सभी ने वीडियो को इस कैप्शन के साथ शेयर किया है। अब यह वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया है। वीडियो पर लोगों ने मजेदार कमेंट्स भी किए हैं। वीडियो पर व्यूज, लाइक्स, शेयर और कमेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये वीडियो आपको भी देखने में रोचक लगेगा।